नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी प्रजापति आज फिर आपके बीच में आया हूँ एक वीडियो लेकर के, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि यदि स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो स्तन में दूध नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है और दूध बनाने के लिए क्या उपाय किया जाए, आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा दोस्तों। और जो नए व्यूवर्स हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद उसके स्तन में दूध न बनने के कई कारण है दोस्तों। यदि दूध नहीं बन रहा है तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, दवाएं बताऊंगा, जिससे दूध भरपूर मात्रा में आने लगेगा दोस्तों। हमारे बुज़ुर्ग हमेशा से यही कहते रहे कि जब भी स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो कम से कम एक महीने तक बच्चे को बच्चों की माँ से दूर न किया जाए, हमेशा 24 आवर उसी के पास रहे बच्चा, तो ज़्यादा बेहतर है। और बच्चे को कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध पिलाइए दोस्तों। पहले तो एक साल तक लोग दूध पिलाते थे बच्चों को, बट अभी 6 महीना भी नहीं लोग पिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 साल बच्चे को दूध पिलाना चाहिए माँ का। 6 महीने तक तो केवल दूध ही दिया जाए बच्चे को, 6 महीने के बाद दूसरी चीज़ें दी जा सकती हैं, बट 6 महीने के पहले केवल माँ का दूध। माँ के दूध के सिवा ये मार्केट में जितने दूध आ रहे हैं आर्टिफिशियल, ये नहीं देने चाहिए, इससे बच्चा भरपूर ग्रोथ नहीं कर पाता है दोस्तों। दोस्तों, बच्चे के लिए सबसे सर्वोत्तम माँ का दूध ही है। मार्केट का जो भी दूध आ रहा है बच्चे को नहीं देना चाहिए, नुकसान करता है बच्चे को। और यदि स्त्री को दूध नहीं उतर रहा है तो उसका मैं उपाय बताऊंगा दोस्तों, जिससे स्त्री को भरपूर मात्रा में दूध उतरने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के जितने भी दूध आ रहे हैं वो सब ठीक नहीं होते हैं बच्चे के लिए, बच्चा उतना ग्रोथ नहीं कर पाता उस दूध से। तो दोस्तों, सबसे बेहतर माँ का दूध है, माँ का दूध ही पिलाइए दोस्तों। आपसे निवेदन है कि केवल माँ का ही दूध पिलाइए 6 महीने तक, उसके बाद ही आप देखिएगा यदि दूध भरपूर मात्रा में ना हो पा रहा हो तब गाय का या भैंस का दूध पिला सकते हैं दोस्तों। जब भी कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो 2 से 3 दिन पीला दूध आता है, तो वो पीला वाला दूध बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, कृपया इसको मिस ना करें। जब भी स्त्री बच्चे को जन्म दें तो 3-4 दिन ये पीला वाला जो दूध निकलता है ये बच्चे को ज़रूर पिलाएं दोस्तों, जिसको पेउस बोलते हैं दोस्तों। भैंस यदि बच्चा देती है तो वो भी देती है ये पीला वाला दूध, जिसको पेउस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यदि कोई भी स्त्री बच्चा जन्म देती है तो ये पेउस वाला दूध ज़रूर पिलाइए दोस्तों। जो भी स्त्री बच्चे को जन्म दे रही हैं वो कृपया अपना खान पान पर बहुत ध्यान दें, अच्छे से अच्छी चीज़ खाएँ जिसमें प्रोटीन्स विटामिन्स मिले ताकि दूध बने। और यदि दूध नहीं बन रहा है तो ये जो दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ कृपया इसका इस्तेमाल करें, 100% दोस्तों दूध निकलने लगेगा, दूध बनने लगेगा और बच्चा भरपूर मात्रा में दूध पी पाएगा और हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बन पाएगा दोस्तों। माँ का दूध सर्वोत्तम है बच्चे के लिए, माँ का दूध सर्वोत्तम है। केवल माता का दूध बच्चे को पिलाया जाए 6 महीने तक, ताकि बच्चा तंदुरुस्त रहे, उसका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो दोस्तों। जिस स्त्री को दूध नहीं उतर रहा है उनको मैं कुछ दवाएं बताने जा रहा हूं, अगर ये दवा ईमानदारी से वो चला लिए तो 100% दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूध की कमी नहीं होगी, दूध भरपूर उतरेगा स्तन में और बच्चा भूखा नहीं रहेगा दोस्तों। ये देखिए, पहली दवा है लैप्टाडीन, लैप्टाडीन टेबलेट आती है दोस्तों, सभी मेडिकल स्टोरों पे मिल जाएगी। और दूसरी दवा है देखिए, ये कैल्शियम का टैबलेट है। जी हाँ दोस्तों, बस ये दो दवा आपको चलानी है और भरपूर मात्रा में दूध उतरने लगेगा दोस्तों। लैप्टाडीन जो टैबलेट है ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और कैल्शियम का जो टैबलेट है वो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने के बाद यदि दिया जाए तो स्तन में भरपूर मात्रा में दूध उतरने लगेगा।
जिससे बच्चा भूखा नहीं रहेगा, बच्चा दूध पिएगा, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होगा, बच्चे का ग्रोथ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कारगर दवाएं हैं। मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ, बट 100% दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि ये दवा यदि चलाई जाए तो 100% कामयाबी मिलेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।